तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जनस्वराज के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम ने किया नामांकन। पार्टी अध्यक्ष मनोज भारती समेत कई बड़े नेता और हजारों लोग हुए नामांकन सभा में शामिल। प्रशांत किशोर और जनता की उम्मीदों पर शत प्रतिशत खरा उतरने का प्रयास करूंगा, डॉक्टर विनायक गौतम। बिहार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे विधान परिषद उपचुनाव के लिए जनस्वराज के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में जनस्वराज की ओर से नामांकन सह आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया। सभा में जनस्वराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती, एमएलसी अफाक अहमद, पूर्व एमएलसी राम कुमार सिंह, पूर्व एमएलए किशोर कुमार मुन्ना, पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी, पूर्व विधायक सुरेश चंचल, पूर्व विधायक गुलाम जिलानी, सेवानिवृत्त अधिकारी ललन यादव, अजय द्विवेदी, एनपी मंडल सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुजफ्फरपुर के जनस्वराज जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक कर रहे थे। नामांकन सभा में तिरहुत स्नातक क्षेत्र के सभी जिले सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए जनस्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि जनस्वराज प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम भी मेरी तरह नेतरहाट स्कूल से पढ़ाई की है। डॉक्टर विनायक इस क्षेत्र के लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं, वे उनके बीच रहकर उनकी सेवा करते रहे हैं, इसीलिए जनस्वराज ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और भविष्य में भी जनस्वराज उन्हीं को अपना उम्मीदवार बनाएगा जो स्थानीय और जमीन से जुड़े हुए लोग हों। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनस्वराज का अभियान सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है बल्कि हमारा संकल्प बिहार में बदलाव लाना है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद डॉक्टर विनायक गौतम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे पेशे से डॉक्टर हैं। अब तक उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से सेवा की है, इसी तरह वे राजनीति में भी पूरी ईमानदारी से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति उनके लिए जनता की सेवा करने का दूसरा जरिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनका किसी से मुकाबला नहीं है। इसके साथ ही डॉक्टर विनायक गौतम ने जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशांत जी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उस पर शत प्रतिशत खरा उतरूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। 1,58,000 वोटर बने हुए हैं, तो किसी सरकार और गलत इलेक्शन होने वाला है। जो भी चुनाव होगा, जो भी जीतेंगे वो डेफिनेटली जनता के कैंडिडेट होंगे। तो जन सुराज नाम है हमारी पार्टी का, तो जनता जनार्दन है, जनता निर्णय करेगी। जंग में कई प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के हैं, लिए भी है। हम उनके बारे में नहीं सोचते, हम लंबी लाइन लकीर हम खींचना चाहते हैं। हम लकीरों को छोटा नहीं करना चाहते हैं, तो हम अपनी लंबी लकीर खींचेंगे अपने आप, बाकी सब छोटे होते हैं। स्वास्थ्य जगत में आप सेवा किए थे, अब राजनीति में सेवा कैसा रहेगा ये समय बताएगा। 13 महीने मात्र का समय है, विश्वास रखा जाए। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने अपना नाम कमाया है या फिर जो भी हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज में अच्छा काम किया है, डेफिनेटली उसी को निभाने के लिए आ रहा हूँ। राजनीति हमारा पेशा नहीं है, मैं एज ए प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, तो जो भी करूँगा ईमानदारी के साथ मैं करूँगा और जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ बिहार की जनता का उस पर 100% खड़ा उतरूँगा। प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है, मैं निश्चित रूप से इस मौका को जाया नहीं करूंगा और जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस हैं और बिहार की जनता के जो भी एक्सपेक्टेशन है उस पर 100% खरा उतरूंगा। अगर नहीं उतरा तो अगले बार में नहीं लड़ूंगा। देते आ रहे हैं उनकी तरह जनता का वोट लेकर वो अपने चुनाव क्षेत्र से गायब नहीं हो जाएंगे, वहीं पर रहकर जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान निकालेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर विनायक गौतम के साथ भी लागू होती है। वो यहीं पे मुजफ्फरपुर और पूरे तिरहुत क्षेत्र में एक जाना माना नाम है और वो इस बात के लिए भी जाने जाते रहे हैं कि जब भी जिसे भी उनकी जरूरत पड़ी है उन्होंने खुले मन से उन सब का साथ दिया है, उन सब की सहायता की है। चुनाव के बाद भी उन्होंने अपने सारे मुद्दे आपके सामने रखे हैं कि वो क्या मुद्दे उठाएंगे विधान परिषद में, लेकिन उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इस सारे दौरान जनता के बीच रहेंगे, उनके लिए उपस्थित रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनने का चाहे कोई भी समय हो उनके पास धैर्य है
उनके पास ताकत है। ये एक ऐसी चीज है जिसे जन स्वराज बाकी आने वाले चुनाव में भी अपने प्रत्याशियों में देखना चाहेगी। एक दूसरी बात है जो इस मौके पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, जन स्वराज का निर्माण, जन स्वराज का जन शासन पाने के लिए नहीं हुआ है। हम यहां बिहार में शासन पाने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं। बार बार इस बात को याद रखने की जरूरत है कि अगर हम केवल शासन पाकर खुश हो गए तो हम में और किसी दूसरी पार्टी में जल्दी ही कोई अंतर बाकी नहीं बच जाएगा। हमारा ध्येय है बिहार में बदलाव लाना, और बिहार में बदलाव लाने की पहली सीढ़ी, उसकी तरफ जाने का पहला कदम शासन पाना है, जिससे हम विकास के लिए सही सही नीति कानून बनवा सकें।